मैं एक आपको एडवाइस बताऊं, इवन आपके पास लॉट ऑफ मनी नहीं है, आपके पास जैसे ही पैसा आता है ना, जैसे ही पैसा आता है, सैलरी आती है, तो सदका दो, ज़कात दो और किसी नीडी की हेल्प कर दो। क्योंकि ये हम ह्यूमन बीइंग है यार, हम जब मार्केट में जाएंगे नया फोन देखेंगे, ओ यार यार दिस आपने नहीं लिया अभी आईफोन, बाबा का ये पुराना सा फोन है अभी तक जिसमें वो रिकॉर्डिंग करते हैं, हैं? और तुम लोगों ने आईफोन 13 ले लिए, समझ आई ना। बट इन शॉर्ट, अगर आपने लाइफ अपना सक्सेसफुल रखनी है तो ये इस पॉइंट पे को फॉलो करो कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि जो आपकी रिसोर्सेज हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप समझते हो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उसके बेसिस पे आप एक्सपेंस करो। अपनी जो नीड्स है ना, उसको वहाँ तक लिमिट करो। आज खुतबा किस चीज़ का था? वो इसलिए कह रहे, कहते क्रेडिट कार्ड नहीं लें क्योंकि क्रेडिट कार्ड दे यू नो ट्रैप यू। या क्या क्या? नो, जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस मैम। आई चेक्ड ऑन द वेबसाइट। नो मैम, आप स्टूडेंट हो ना, आप मेरे साथ कल जाओ, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, नो चार्जेस। स्टूडेंट के, लेकिन आपने उसमें कैटेगरी मेंशन करनी है, स्टूडेंट अकाउंट। या आई चेक द स्टूडेंट वन, इट वाज जीरो एंड सेड अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस और वो कुछ भी नहीं है। सेम विद द अदरवाइज वो पर ट्रांजैक्शन के भी वो चार्जेस होते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन फ्री होती हैं पर मंथ, उसके ऊपर अगर जाओगे मिनिमम अमाउंट आप नहीं मीट करते, ठीक है, तो वो फिर आपको चार्ज करते हैं। For other accounts. So let's say he gets a job, right? And he has a bank account. He can put that money in a bank account. Who? Him. हाँ, वो उसके अकाउंट में जानी पुत्र। एक कोई पाकिस्तानी है जिसे कैश भी देते हैं और सब कुछ हो जाए। How does he take it out though? He has to use a card. He has to use the cash. Who? No, but then how do you like? How do you like use the money from your bank account? ATM से निकलवाओगे ना, या निकाल सकते हो, बैंक में जाके निकलवा सकते हो। You have to take it in cash? Yeah. Oh. You can take it out from the bank. Or what I suggest, if अगर आपने किसी को पे करना है ना, never pay him cash. Never ever pay him cash. Either pay by check or by some you know other e-transfer. So, आपके पास लीगल प्रूफ होना चाहिए कि मैंने उसको पैसे दिए हैं। No, but like, why is like a card bad? क्या? A card. Credit card इसलिए bad है because वो होता क्या है? Yeah, I know you how it works. My teacher told me. He said, like if you want to be debt free, don't get. No, no, no. Yes. और बड़ा heavy interest होता है। एक बार आप उसमें trap हो गए ना, You cannot get out of it. No, I know that, but like. तो इसीलिए बेहतर है कि जिस तरह इस्लाम में अभी वो इमाम ने खुतबे में कहा है ना, जितनी आपकी पॉकेट है उतना आप उसको स्पेंड करो। यहाँ पे वो पीपल में ना वो होता है, अच्छा वो भी है, वो भी है, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। दे थिंक ओ या 1 month 1.5 month के बाद पे करना है, इट्स फाइन, ओके 1 month के बाद पे करना है, या जस्ट टेक इट, या राइट, दे ट्रैप यू इन दैट। And by the end of that time, let's say मान लो आपके पास वो पैसे नहीं है पे करने के लिए, ठीक है, वो 1 month के बाद आपकी जॉब छूट जाती है, right? आप स्टक हो गए ना, आप कैसे पे करोगे वो? That's a trap then. वो 21% चार्ज करते हैं आपको, 21%. Yeah, I know. I checked that. There's a 21%. And that's a very big trap then. Every month, right? Yeah. So like it works like this. So however much you spend on the card, like you get grocery. Let's say you get grocery for like $300 a month. I'm just giving you an example. I don't know how much the grocery is, okay? But like let's say, and then you get like, what else do you spend money in? देखो यार, like let's say you spend like $300 on the card, right? Do you pay $300 or is there interest on that? No. If you pay within time, अगर आप उसको within time pay करोगे ना, जैसे बिल आया pay कर दो फौरन। वैसे मेरी कोशिश क्या होती है, आप जो आपको बिल या जो वो होता है ना, आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट से डिडक्ट हो जाए, ये ट्राई होती है, ठीक है, ठीक है, ऑटो थिंग। प्लस व्हाट आई प्रेफर, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अगर आप उसको क्या करते हो, उसको जैसे लेट्स मान लो आपको पता है कि यार मैंने 1000 की ग्रोसरी करनी है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं डेबिट, वो आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, लेट्स मान लो उसके, एक तो उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम रखो, ठीक है। मैं जैसे कहता हूँ क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम रखो, ठीक है, जितनी कि आपको पता है कि यार मैं अफोर्डेबिलिटी है मेरी, राइट, उसको कम रखो, ठीक है। जैसे वो स्पेंड हो, आप जैसे बिल आए आपको पता है कि ऑटोमेटिकली उसकी पेमेंट जो है आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए, पेमेंट हो जाए। वो फिर एक्स्ट्रा मसला है ना। अगर आपको जैसे मान लो 1000 का बिल है, ठीक है, $1000 का, आप उसको, आपके पास मनी नहीं है पे करने के लिए, फिर वो ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो नॉन पेमेंट के भी पैसे चार्ज करते हैं आपको, वो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। That's a business, right? Bank is not, you know, bank आपको फेवर नहीं करेगा पुत्र। बैंक आपको सड़क पे ला के आपका सब कुछ बेच के भी अपने ना, वो आपकी 10,000 20,000 की चीज है ना, और उन्होंने 1000 लेना है आपसे, वो 10,000 20,000 वो 10,000 की चीज जो है ना वो, या 20,000 की चीज, वो $1,000 रिकवर करने के लिए आपको बैंक करप्ट कर देगा। मीन्स योर क्रेडिट इज स्क्रूड अप, यू नो, योर हिस्ट्री, यू नो, यू कैन नॉट ओपन, आप फिर वो बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते और आप क्रेडिट नहीं ले सकते, आप इवन समटाइम जॉब के लिए डिफिकल्टी होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप फॉरेन में कहीं पे, यहाँ जैसे यहाँ हम कनाडा में है, वो यूएस में अगर आप जॉब करते हो, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं। जैसे बड़ी अच्छी कंपनीज जो हैं वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करती हैं, वो देखती हैं आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। अगर आपके इस तरह वो बैड क्रेडिट है और फाइल किया हुआ है, बैंक्रप्सी फाइल की हुई है, तो देन इट्स नॉट गुड। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो, अगर मैं ये नहीं कहता क्रेडिट कार्ड इज टोटली बैड, ठीक है, समटाइम्स आपको जरूरत पड़ती है, लेकिन आप डेबिट से भी कर सकते हो। डेबिट वीजा भी तो होता है ना, डेबिट वीजा का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में से ऑलरेडी पैसे पड़े हैं, उसमें से पैसे जाएंगे, वो डेबिट वीजा कहते हैं उसको। मींस द वन व्हिच वी यूज, दैट इज क्रेडिट वीजा, वी आर यूजिंग क्रेडिट ऑफ बैंक और सम अदर कंपनी एंड बाय द स्टफ, फिर हम बाय करते हैं, वो क्रेडिट होता है, वो 30 days का होता है। आजकल जैसे द मेन थिंग इज मैंने देखा है लोगों को कि लोग ऐसे कहते हैं, जाते हैं, अच्छा ये भी ले लो, ये भी ले लो। यूथ में बहुत प्रॉब्लम है, जैसे आप लोग यंग हो ना, अभी आप अपने माइंड में ये बिठा लो कि यार क्रेडिट कार्ड इज नॉट गुड, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अ क्रेडिट कार्ड, आई एम गोइंग टू गो विद माई डेबिट वीजा। डेबिट वीजा इज ऑल्सो अ क्रेडिट, डेबिट वीजा इज ऑल्सो कार्ड, but that is your own, वो आपकी अपनी मनी है, so that's coming straight out of your bank. Yes, the other one is like credit of some other, so that's, you know, coming out the bank and then आप फिर उसको pay करते हो। and अगर आप उसको pay नहीं करते on time, जैसे मैं एक बार भूल गया था, ठीक है, मैं एक बार भूल गया pay करना, ठीक है, जब काफी टाइम पहले, तो उन्होंने मुझे $40-50 उसके चार्ज किए थे, तो वह हालांकि वो, यू नो, मनी था, मुझे बस याद नहीं रहा। ऑटो पे, ऑटो में मैं लगाता नहीं हूँ क्योंकि समटाइम्स, यू नो, कुछ अकाउंट्स को मैं नहीं लगाता क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं, वो फ्रॉड के चांसेस हो जाते हैं, समझ आई ना। बट इन शॉर्ट, अगर आपने लाइफ अपना सक्सेसफुल रखनी है तो ये इसको इस पॉइंट पे को फॉलो करो कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि जो आपकी रिसोर्सेज हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप समझते हो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उसके बेसिस पे आप एक्सपेंस करो। अपनी जो नीड्स है ना, उसको वहां तक लिमिट करो। लेट्स से मान लो आपके पास $1000 है ना, तो आप उसको, अपनी ग्रॉसरी, उसका पहले से प्लान ना आगे रखो, या मेरा 200 की ग्रॉसरी है, मेरा 100 का वो फोन का बिल, फोन और इंटरनेट का बिल है, मेरा 700 रेंट है, ठीक है, तो पहले से बना के रखो। इफ यू मेक अ प्लान लाइक दिस, अगर आप प्लान बनाते हो ना, तो देन उसमें क्रेडिट की गुंजाइश ना रखो, ओके, उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें क्रेडिट की गुंजाइश ना रखो, राइट जैसे आप क्रेडिट में पुत्र फंस गए ना, that screws up your life. And I had seen big businessmen स्क्रूड अप बिकॉज ऑफ दिस। बड़े बड़े अच्छे कारोबारी लोग जो है ना, मैंने इसमें स्क्रू अप होते देखे। जहां पे सूद की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है ना, इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, वो आपके मनी को खा जाती है। पता क्या है? इंटरेस्ट इज लाइक एवरीवेयर। नो, इंटरेस्ट इज एवरी इन एवरीथिंग, बट मैं वही कह रहा हूं, इफ यू डोंट पे योर स्टफ ऑन टाइम, अगर आप अपना स्टफ ऑन टाइम पे कर रहे हो, देन देयर इज नो इंटरेस्ट। व्हाई यू हैव टू पे इंटरेस्ट? जैसे आपका बिल आया कार्ड का, ठीक है, आप लेट्स से मान लो अगर आपकी सैलरी 5000 है ना, $5000, आप कोशिश करो मैक्सिमम लिमिट का जो कार्ड है ना वो 1000 का रखो, और कोशिश करो उसको पेमेंट एडवांस में कर दो, ऑटो या सेट कर दो या एडवांस में सेट कर, ठीक है, रिमाइंडर नहीं है, बेहतर है ऑटो पे सेट कर दो, जैसे पैसे आए आपके उसमें से चले गए। लेकिन आई एम टेलिंग कि अगर आपका जो इनकम है लेट्स से 5000 है, उसका 10% मैक्सिमम 10% उसका क्रेडिट कार्ड का रखो, उससे ज्यादा ना रखो अमाउंट, क्योंकि वो आपकी अफोर्डेबिलिटी से समटाइम्स बाहर निकल जाती है। क्योंकि ये हम ह्यूमन बीइंग है यार, हम जब मार्केट में जाएंगे नया फोन देखेंगे, ओ यार दिस इज, आपने नहीं लिया अभी आईफोन, बाबा का ये पुराना सा फोन है अभी तक जिसमें वो रिकॉर्डिंग करते हैं, हैं? और तुम लोगों ने आईफोन 13 ले लिए, आईफोन 13 प्रो या आईफोन, मुझे तो ये भी नहीं पता यार, आईफोन 13 था जी। अब्बा जी के पास जनाब पुराना फोन है और इन्होंने जनाब आईफोन ले लिए सारों ने, इवन मम्मा। ओह माय गॉड, चलो यार, लेकिन अफोर्डेबिलिटी की बात होती है ना कि आप यू नो व्हाट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, या स्पेंड लॉट ऑफ मनी है ना। मैं एक आपको एडवाइस बताऊं, इवन आपके पास लॉट ऑफ मनी नहीं है, आपके पास जैसे ही पैसा आता है ना, जैसे ही पैसा आता है, सैलरी आती है, कोई चीज आती है, जैसे ही पैसा आता है वो सैलरी आती है, तो आप उसको सदका दो, ज़कात दो और किसी नीडी की हेल्प कर दो। सबसे बेहतर है यतीम की, किसी की ना वो नीडी की हेल्प कर दो, फीस दे दो उसको, और उसको बताओ भी ना कि यार, किसी लोगों को भी ना बताओ कि यार मैं इसकी करता हूँ इसको। नो, यू गेट योर सैलरी, मेक अ स्मॉल पोर्शन आउट ऑफ इट, लाइक 2.5% आउट ऑफ इट ज़कात, मेक अदर अमाउंट उसमें से डोनेशन। वो यार उसमें फिर देखो अल्लाह को ऐसा आपके मनी में बरकत डालता है यार, अल्लाह उसमें ऐसी आपके मनी में, वो आपकी इनकम में यू नो ब्लेसिंग, वो बरकत डालेगा कि आप यार आप इमेजिन नहीं कर सकते। वहां से अल्लाह देता है यार, जहां से आपको सोच भी नहीं होती यार, ओ या यहाँ से भी ये चक्कर होता है। अगर आप अल्लाह के वो रूल्स को फॉलो करो, अल्लाह के बताए हुए रूल्स को फॉलो करो, आपकी इनकम आती है फौरन उसमें से एक्सपेंस करो, आपकी इनकम आती है उसमें अल्लाह के नाम का वो डोनेशन रखो, ज़कात रखो, किसी नीडी की हेल्प कर दो, मस्जिद में यू नो, जैसे आप लोकल जो क्लोजेस्ट मस्जिद है आपका राइट बनता है उसको उसको थोड़ा सा डोनेट, उसको डोनेट करना, क्योंकि वो कम्युनिटी के आपके घर के पास है राइट, उसका ज़्यादा राइट बनता है, उसको डोनेट, उसमें डोनेट करना। फिर आपको जैसे बताया यतीम का, ठीक है, ऑर्फन जो होते हैं, फिर वो आप किसी और यू नो पर्पस के लिए आप स्पेंड कर दो। 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ज़कात, वेन एवर यू गेट समथिंग ज़कात। समझ आ रही है सीम? आई थॉट यू आर बोरिंग। इट्स नॉट अ बोरिंग टॉपिक, इट्स लाइफ को ये बहुत, ये चीज़ें यार मुझे बहुत लेट पता चली थी, ट्रस्ट मी। ज़कात का पैटर्न ये वो हम लोगों को इतना वो नहीं, सोशल मीडिया में तो खैर अभी काफ़ी ट्रेन हो गए हम, लेकिन पहले नहीं इतना पता होता था। ठीक है, ओके गुड, थैंक यू गाइस। ओके जनाब, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद? देख के बताओ Pakistan Zindabad. Some face aana chahiye yaar. Yeah, but I'm sitting all the way here. Okay. It's hard. Okay. The camera's there.